वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल कैंपस में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं पार्थ सारथी और आप देख रहे हैं द एजुकेशनल कैंपस। आज मैं आप सबों के लिए कक्षा पंचम के संस्कृत पाठ्य पुस्तक से सुभाषितानी लेके आया हूं, जो अष्टम पाठ से संबंधित है। तो चलिए सुभाषितानी को शुरू करते हैं। न त्वहं कामयि राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामयि दुःखतप्तानां प्राणिनामर्तिनाशनम्। इस श्लोक में राजा रंती देव ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, न त्वहं कामयि राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, न तो मुझे राज्य की लालसा है, न मैं राज्य की कामना करता हूँ और न ही स्वर्ग और सुख शांति की, और ना ही मुझे मुक्ति की लालसा है। कामय दुख तप्तानाम प्राणी नामार्ति नाशनम, मेरी एकमात्र यही कामना है कि जितने दुख और कष्ट से पीड़ित प्राणी हैं, उनका कष्ट समाप्त हो जाए, उनके दुख समाप्त हो जाए, यही केवल मेरी एक कामना है। तो इस श्लोक का सीधा और सरल अर्थ समझते हैं। राजा रंतिदेव ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, मुझे राज्य की कामना नहीं, स्वर्ग सुख की चाह नहीं, तथा मुक्ति की भी इच्छा नहीं। एकमात्र इच्छा यही है कि दुख से संतप्त प्राणियों का कष्ट समाप्त हो जाए। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं आतपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषः इव। इस श्लोक में वृक्ष यानी पेड़ के बारे में बताया गया है कि पेड़ कितने महान हैं। वृक्ष ही ऐसा है जो दूसरों को छाव देता है। छायाम अन्यस्य कुर्वन्ति, अन्य के लिए, दूसरों के लिए छाया करता है। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं आतप में यानी धूप में खड़ा रहता है। फलान्यपि परार्थाय, फल भी उसके दूसरों के लिए है, परार्थाय है, दूसरों के लिए है। इस तरह वृक्ष सचमुच सत्पुरुष जैसे होते हैं। इसका सीधा अर्थ यही है कि वृक्ष जो दूसरों को छांव देता है, खुद धूप में खड़ा रहता है, उसके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, सचमुच वृक्ष सत्पुरुष जैसे होते हैं। आत्मार्थम जीव लोकस्मिन् को न जीवति मानवः, परम परोपकारार्थम यो जीवति स जीवति। इस तीसरे श्लोक में आदर्श जीवन के बारे में बताया गया है, यही कि सभी लोग इस धरती पर केवल अपने लिए ही जीते हैं। आत्मार्थम जीवलोकेस्मिन्, इस जीवलोक में केवल अपने लिए ही सभी जीते हैं, कौन नहीं जीना चाहता। परंतु परम परोपकारार्थम, परंतु परोपकार के लिए, दूसरों के लिए जो जीता है वही सच्चा जीना है। यो जीवति स जीवति, परम परोपकारार्थम यो जीवति सजीवति, दूसरों के उपकार के लिए जो जीता है वही सच्चा जीवन है, वही सच्चा जीना है। इसका सीधा और सरल अर्थ समझते हैं। इस जीवलोक में यानी इस धरती पर स्वयं के लिए कौन नहीं जीना चाहता, परंतु जो परोपकार के लिए जीता है वही सच्चा जीना है। सदयम हृदयम यस्य भासितम सत्यभूषितम कायः परहिते यस्य कलिष्टस्य करोति किम्। यह चौथा श्लोक एक दयालु, परोपकारी और सत्यवादी व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि सदयम हृदयम यस्य, जिसका हृदय दयालु हो, भाषितम सत्य भूषितम, और सदा सत्य बोलता हो, जिसकी वाणी में सच्चाई
झलकती हो काय परहिते यस्य, और जिसका काय, काया यानी शरीर, जिसका काया, जिसकी काया यानी शरीर दूसरों के अर्थ के लिए होता है यानी दूसरों की भलाई के लिए होता है, कलिस्तस्य करोति किम, और उसका कलियुग में जो बुरे व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति हैं, ये बुरे व्यक्ति उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इस तरह हम सीधा अर्थ समझते हैं कि जिसका हृदय दयालु है, वाणी सत्य से भूषित है, और जिसकी काया यानी शरीर परायों के हितार्थ है, उसे कली क्या कर सकता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वित्ततस्तु हतो हतः। इस पांचवें श्लोक में, पांचवें सुभाषितानी में धन और चरित्र के बारे में, धन संपत्ति और चरित्र के बारे में बताया गया है कि किसको अधिक सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। वित्तम यत्नेन संरक्षेत, कहा जा रहा है कि हमें अपने चरित्र के, चरित्र को यत्न पूर्वक यानी बड़े सही तरीके से रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति तो याति च, और जो वित्त है यानी धन है वो तो आता जाता रहता है। अक्षिणो वित्ततः क्षीणो, धन, धन तो क्षीण होता है, धन का तो नष्ट होता ही रहता है, लेकिन धन का नष्ट होना बड़ा क्षति नहीं है, लेकिन अगर चरित्र का नष्ट हो जाए एक बार तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसके सीधे और सरल अर्थ समझते हैं, हमें अपने चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन तो आता है और चला जाता है, धन के जाने से मनुष्य का कुछ भी नष्ट नहीं होता है, परंतु यदि मनुष्य का चरित्र एक बार नष्ट हो गया तो कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें धन से ज्यादा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए ताकि चरित्र में कभी दाग न लगे। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यासनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। इस छठे सुभाषितानी में एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति के बीच अंतर को दर्शाया गया है। कहा जा रहा है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो काव्य शास्त्र आदि पढ़कर अपना मनोरंजन करते हुए, अपना विनोद करते हुए अपने समय को व्यतीत करता है, समय को गुजारता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है, व्यसने नुत मूर्खाम निद्रया कलहेणवा, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, अशिक्षित होते हैं, वे अपना समय को सोकर या कलह करके, झगड़ा करके बिताता है। इसका सीधा और सरल अर्थ है, बुद्धिमान और धीर व्यक्ति काव्य शास्त्र आदि पढ़कर अपना मनोरंजन करते हुए समय को व्यतीत करता है, और मूर्ख व्यक्ति सोकर या कलह करके समय बिताता है। धीरः शोकं तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम्, धीरः संप्राप्यते लक्ष्मीः धैर्यं सर्वत्र साधनम्। यह सातवां सुभाषितानी है जो धैर्यवान पुरुष के बारे में बताया गया है, यही कि धीरा शोकम तरिष्यन्ति लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम, जो धीर व्यक्ति होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो अपने दुख की बेला में भी, दुख की घड़ी में भी बड़े आसानी से उसको पार कर जाते हैं और सिद्धि प्राप्त करते हैं यानी सफलता प्राप्त करते हैं। धीरे संप्राप्यते लक्ष्मी, और धैर्यवान व्यक्ति ही धन को प्राप्त कर सकता है। इस तरह कहा जा सकता है कि धैर्यम सर्वत्र साधनम, यानी धैर्य सबसे उत्तम साधन है हर जगह। इसका सीधा और सरल अर्थ यही है कि जो व्यक्ति
धैर्यवान होते हैं वे दुख की स्थिति में होने पर भी उत्तर यानी उबर कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। धीर व्यक्ति ही धन संपत्ति प्राप्त करने में सफल होते हैं, अतः धैर्य ही सदैव अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक उत्तम साधन है। कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुकेम अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी हष्ट वर्जयेत। इस आठवें श्लोक में विद्यार्थी के बारे में बताया गया है, जो विद्या अध्ययन करते हैं उन्हें कौन कौन से चीजों से दूर रहना चाहिए, या फिर कौन कौन से चीजें ऐसे हैं जिनका त्याग कर देना चाहिए। इसमें आठ चीजें बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल तमाशा, या फिर बहुत अधिक सोना और अत्यधिक सेवा करना, यानी अत्यधिक सेवन करना। इन आठ चीजों से विद्यार्थी को दूर रहना चाहिए। इसका सरल और सीधा अर्थ समझते हैं। विद्यार्थी को चाहिए कि वह काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल तमाशे, बहुत अधिक सोना और अत्यधिक सेवा करना, इन आठ बातों को त्याग देना चाहिए। सुखार्थी वा त्वजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्वजेत सुखम। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। इस श्लोक में एक सुखार्थी यानी सुख चाहने वाले और एक विद्यार्थी यानी विद्या चाहने वाले, इन दोनों के बीच अंतर को दर्शाया गया है। यही कि सुखार्थी वा त्वजत विद्याम विद्यार्थी वा त्वजत सुखम। सुखार्थी को यानी सुख चाहने वाले को विद्या त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी को यानी विद्या प्राप्त करने वाले को सुख त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम। क्योंकि सुखार्थी को यानी सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होता है, और विद्यार्थी को यानी विद्या प्राप्त करने वाले को सुख कहाँ प्राप्त होता है, यानी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसका सीधा और सरल अर्थ है, सुख की चाहत रखने वाले को विद्या और विद्या पाने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है, और विद्यार्थी को सुख यानी आराम नहीं मिल सकता। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। सुभाषितानी के इस अंतिम श्लोक में छोटे से छोटे पल यानी समय और छोटे से छोटे सिक्के की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। यहाँ क्षण उस छोटे पल को बताया गया है और कण उस छोटे सिक्के को बताया गया है। यही कहा गया है कि क्षणशः कणशश्चैव विद्यावर्थम च साधयेत्, यानी क्षण का उपयोग यानी समय का उपयोग, छोटे से छोटे पल का उपयोग सीखने के लिए करना चाहिए, और छोटे से छोटे सिक्के का उपयोग उसे बचाकर रखने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्। क्षण यानी छोटे से छोटे पल समय को नष्ट करके विद्या प्राप्ति नहीं की जा सकती, और छोटे से छोटे सिक्के यानी छोटे से छोटे रुपये पैसे को नष्ट करके धन की प्राप्ति नहीं किया जा सकता, यानी धन एकत्रित नहीं किया जा सकता। चलिए इसका सीधे और सरल अर्थ समझते हैं। प्रत्येक क्षण का उपयोग सीखने के लिए और प्रत्येक छोटे से छोटे सिक्के का उपयोग उसे बचा कर रखने के लिए करना चाहिए। क्षण को नष्ट करके विद्या प्राप्ति नहीं की जा सकती, और सिक्कों को नष्ट करके धन नहीं प्राप्त किया जा सकता। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, इससे आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकेंगे। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन को दबाना ना भूलें, इससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद।